आज यानी गुरुवार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह को याद किया। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवत की भूमि को दुनिया शुक तीर्थ के रूप में जानती है। शुक तीर्थ को पुराना वैभव लौटाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, जन भावना के अनुरूप काम किया है। दुनिया में किसी के पास 5000 साल पुराना इतिहास नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर के पास है। चौधरी साहब को सम्मान पहले मिलना चाहिए था, पर 2004 से 2014 के बीच की सरकारों ने उन्हें यह सम्मान नहीं दिया। देश के विकास का रास्ता गांव और खलिहान से होकर जाता है, यह बात चौधरी साहब ने ही कही थी। सीएम योगी ने कहा कि समाज के नेतृत्व वर्ग से मिलने आए हैं, एक वोट देश की तकदीर बदल सकती है। वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगता था, और सही हाथों में वोट जाने से कावड़ यात्रा निकल रही है। गलत हाथों में वोट जाने के दिनों में यहां लोग आने जाने से डरते थे, अब सही हाथों में वोट गया तो अराजकता समाप्त हो गई। आपका ये वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालते थे। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला।